देश के किसी भी राज्य में आज एक तक किसी भी सरकार ने ऐसी योजना की घोषणा नहीं की जो राहुल गांधी ने घोषणा की है। देश में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्याय योजना लॉन्च की जाएगी जिसके माध्यम से देश से गरीबी को हटाया जाएगा। यह कहना है पीसीसी चीफ सचिन पायलट का। पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कड़ी मेहनत और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर लगातार जीडीपी की दर बढ़ेगी। चुनाव के समय मुझे बड़ा खेद है कि भाजपा के नेता और उनके माध्यम से अनेकों लोग कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। उनको पता है कि सत्ता उनके पास नहीं रहेगी। इट्स अ शेयर एक्ट ऑफ डेस्परेशन टू कॉज एस्पर्शंस ऑन द ऑपोजिशन। जो गैर भाजपा के दल और नेता हैं कोई एक छोड़ा नहीं है। नोटिस देना, दबाव डालना, आरोप लगाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना तथ्यों के आधार पर कुछ किसी के सामने नहीं है, लेकिन सिर्फ मीडिया में किसी के नाम के आगे आप कीचड़ उछाल दो और फिर उस पर छोड़ दो, अपनी सफाई देता रहे। ये जो है ये एक चुनाव से पहले बहुत सोच समझ कर भाजपा के नेता करते हैं ताकि मीडिया में उनकी खामियों को लिखने वालों की संख्या कम हो जाए और इस प्रकार की सनसनीखेज खबर फैलती रहे। इसमें कोई तथ्य नहीं है। और आरोप अगर लगाना है तो आपकी सरकार 5 साल थी, आप जांच करते, आपने किया कुछ नहीं। लेकिन चुनाव के समय देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।